हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नवीन और आप देख रहे हैं माइंड सर्वो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है फिनंशियल एक्टिविटी में। अगर आपको लेना हो लोन या फिर किसी भी तरीके का फिनंशियल सपोर्ट आपको चाहिए तो आपको इस एप्लीकेशन की मदद से ईजिली जो है मिल जाएगा। आप इस एप्लीकेशन की मदद से बस कुछ KYC डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरे ऑल ओवर इंडिया में पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और भी फिनंशियल ज़रूरी चीज़ें आप इस एप्लीकेशन की मदद से इजीली कर सकते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बहुत कुछ जो है सीखने के लिए मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे मेरे बहुत सारे भाई हैं जो हर एक वीडियो में देखे गए एप्लीकेशन में जो है लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये आपके लिए जो है सही रहेगा या कि नहीं रहेगा, यहाँ से इस ऐसा करने से जो है आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ बहुत हद तक कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और इजीली आप समझ पाएँ। ये वीडियो थोड़ी सी जो है लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए एंड तक जो है ज़रूर देखिएगा। अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप mindsurbook.com पे जो है विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग पोस्ट जो है देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपके फिनंशियल एक्टिविटी में आपकी ज़रूरत को जो है पूरा करते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और भी बहुत सारे पोस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आई एम श्योर अगर आपको पसंद आए तो mindsurbook.com पे भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जो है प्ले स्टोर के ऊपर जाना होगा। प्ले स्टोर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं क्रेडिट मनी। यहाँ पे मैंने क्रेडिट मनी सर्च किया, लेकिन आपको सर्च करना है क्रेडिट मंत्री। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो है दिखाई दे रहा है क्रेडिट मंत्री, इसे सिंपली जो है आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले आइए देखते हैं इसकी रेटिंग और रिव्यू जो है क्या है, यहाँ पे आपको कौन कौन सी सर्विसेज देखने के लिए मिल जाएंगी। अब जैसे कि रेटिंग और रिव्यू की बात करें तो इस एप्लीकेशन को रिलीज़ किया हुआ है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर 2017 में, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। ये लगभग जो है 20 MB से कम का जो है साइज़ है, जो कि आपके फ़ोन में इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को लास्ट जून में जो है अपडेट किया हुआ है। अभी तक 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा यूजर्स ने जो है डाउनलोड भी किया है इस एप्लीकेशन को और इस्तेमाल करते हैं। 3+ की रेटिंग है और अच्छे खासे रिव्यू आपको देखने के मिल जाएंगे। बहुत सारे अवार्ड्स भी जो है इन्हें मिले हुए हैं, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे इस एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स के बारे में जो है आपको मैं बता देता हूँ। आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही रहेगा तो ही आपको जो है लोन मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर किसी भी वजह से जो है ख़राब है तो आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में पता करना तो आप इस एप्लीकेशन से ईजिली वो जो है कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हैं, अपने मंथली बजट को जो है देख सकते हैं, अपना बजट सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सपेंस डाल सकते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो भी हमारी इनकम होती है उससे ज़्यादा एक्सपेंस जो है हम कर देते हैं महीने में। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी कि आपने अभी तक कितना जो है एक्सपेंस कर दिया है इस महीने में। तो बहुत सारी सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से आप अपने शॉपिंग, ग्रोसरी, कहाँ पे आपने क्या खर्च किया है वो सारी डिटेल इस एप्लीकेशन से देख सकेंगे। क्विक एक्सेस जो है अपडेट कर सकेंगे, यानी कि आप इस एप्लीकेशन की मदद से आपके पास जो बैलेंस बचा हुआ है रेस्ट, आप उन सारी चीज़ों को इस एप्लीकेशन की मदद से मॉनिटर कर पाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके आपको इस वीडियो में मैं एप्लीकेशन के अंदर जो है बताने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हम जैसे कि इस चैनल के ऊपर जो है बात करते हैं, यहाँ पे आपको पर्सनल लोन भी मिलने वाला है। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो 20,000 से लेकर 30 लाख तक आपको यहाँ से पर्सनल लोन ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पे जो टेन्योर होगा वो 6 महीने से लेकर 5 साल का टेन्योर होगा, जो कि आपको रीपेमेंट करने के लिए जो है दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको हाईली लोन मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रूफ जो है देने होते हैं। अगर आपको होम लोन चाहिए तो 3 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का होम लोन आप इस एप्लीकेशन की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म लोन के बारे में। अब जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको 5,000 से लेकर 2 लाख तक का लोन ईजिली मिल जाता है और उसे रीपेमेंट करने का समय 1 दिन से लेकर 24 मंथ का जो है आपको मिलता है। तो बेसिकली ये शॉर्ट टर्म लोन ही जो है आपको ईजिली मिलने वाला है बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के ऊपर।
तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं इस एप्लीकेशन में जो कि मैं आपको एक एक करके जो है वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन जैसे ही करेंगे आपको साइन अप करना होगा। पहले यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो है साइन अप कर लिया है मैंने, और यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है साइन अप करना होगा। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो पुट करनी होगी, अपना पैन डिटेल, अपना ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल फिट करके जो है आपको एक्सेस कर देना होगा। और एक्सेस देने के बाद आपको जो है यहाँ पे सिविल स्कोर का जो है आपका पता चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे पॉजिटिव अकाउंट, जितने भी लोन आपने लिए हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे ऑन टाइम पेमेंट, आपने जो लोन लिया है उसका टाइमली पेमेंट किया है या कि नहीं किया है। साथ ही साथ अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप उस क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन भी जो है चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में कि अगर आप बार बार लोन के लिए अप्लाई कहीं कर रहे हैं तो आपके सिविल में उसका इम्पैक्ट आता है या कि नहीं आता है, तो यहाँ पे नो मोर में हम क्लिक करते हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंक्वायरी का स्टेटस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने पिछले एक साल में लगभग 4 बार जो है इंक्वायरी किया। अगर मैं नो मोर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे होम क्रेडिट, होम क्रेडिट, होम क्रेडिट और होम क्रेडिट। होम क्रेडिट के वेबसाइट पे मैंने 4 बार जो है ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसका ही डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो भी NBFC द्वारा अप्रूव्ड लोन प्रोवाइडर्स हैं वो अपने क्विक, यानी कि अगर कोई उनके डैशबोर्ड, उनके ऑफलाइन ऑफिस में या फिर वेबसाइट पे कोई अगर क्वेरी करता है लोन के लिए तो वो क्वेरी डिटेल जो है सिविल को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि इंक्वायरी जो आप करते हैं तो इंक्वायरी से भी आपका सिविल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर आप कहीं पे इंक्वायरी कर रहे हैं तो सिविल का मानना है कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और आपको लोन नहीं मिलने के क्या कारण हो सकते हैं। तो हमेशा कहीं पे भी लोन के लिए अप्लाई करिए, उससे पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है चेक कर लीजिए कि वाकई जो है आपको लोन कंपनी प्रोवाइड करेगी या कि नहीं करेगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें जो है देखने के लिए मिल जाएंगी। अब यहाँ पे स्पेंड पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली दिखाई देने वाला है कि मैंने इस महीने में कितना एक्सपेंस जो है किया। तो इससे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलने वाली है, पूरा डिटेल जो है आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि अभी तक आपने कितना एक्सपेंस जो है किया। मेन अगर आप यहाँ पे अपने एक्सपेंस को जो है ट्रैक करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑफर्स भी जो है मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक्सपेंस करते हैं उसका हिसाब नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसे अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करिए, आपको पूरे महीने का हिसाब ये एप्लीकेशन जो है आपको देता रहेगा। अब मैं यहाँ पे ट्रैक की बात करूँ तो यहाँ पे मैं ट्रैक पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें हो सकती हैं। इससे पहले चलते हैं लोन के ऊपर। अब यहाँ पर लोन के ऊपर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर इन्होंने ऑफ़र दिया हुआ है कि मैं श्रीराम सिटी से लोन ईजीली ले सकता हूँ। तो ये मुझे जो है ऑफ़र मिले, जो भी बजट है उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे मिला हुआ है, जो भी मेरा सिविल स्कोर है उसके अकॉर्डिंग। इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो है बजट आपको ऑफ़र मिलेगा कि आप कहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि अगर आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए, शॉर्ट टर्म लोन अगर आपको चाहिए तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए चाहिए तो वो भी, क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए ये चीज़ है, शॉपिंग लोन, होम लोन अगेन, इसके बाद होम लोन का जो बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करना है यानी कि दूसरा लोन लेना है आपको तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद है ऑटो लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको डैशबोर्ड पे जो है दिखाई देगी। तो जैसे कि मैंने बताया मुझे एक जो है ऑफ़र मिला हुआ है यहाँ पे पर्सनल लोन का, इसी तरीके से आपको ऑफ़र मिलेगा। अगर आपको ऑफ़र नहीं मिलता है तो अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए या शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो आपको जो है अप्लाई करना होगा और पूरी डिटेल को फिट करके हुए आगे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सारी प्रोसेस को कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पे मुझे फ़िलहाल अभी लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे प्रोसेस को आगे फॉलो नहीं करना चाहता क्योंकि ये क्वेरी काउंट में जो है चला जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे मैंने एक अप्लाई जो है किया है यहाँ पे, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए आज ही मैंने जो है अप्लाई किया है। अभी ये जो है कंप्लीट हो चुका है लेकिन ये प्रोसेस में है, ये जैसे ही इसका रिपोर्ट आएगा मैं आपको जो है वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पर मैंने एक चेक करने के लिए पर्सनल लोन को भी जो है टैप किया था लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन मैंने फीड नहीं की है तो इसीलिए ये इनकम्प्लीट जो है बता रहा है। तो
ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप सभी के लिए। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके का लोन लेना चाहते हैं, तो क्रेडिट मंत्री जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट आपको प्रॉपर गाइड करने वाला है कि कहाँ से आपको लोन मिलेगा, क्या आपके लिए ऑफर्स है, आपको कैसे, अगर सिविल स्कोर आपका डाउन है तो कैसे इसे इम्प्रूव करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, क्रेडिट मंत्री आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना। दोस्तों, क्रेडिट मंत्री के बहुत सारे और भी फायदे हैं जो कि आपको जैसे आप यूज़ करते जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिलती जाएगी। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ तो यहाँ पर IFSC फाइन भी कर सकते हैं आप, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। अगर आपको अपने बैंक का IFSC कोड नहीं पता है तो आप इसके ज़रिए वो सर्विस के बारे में जो है पता कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए। अगर अभी तक आपने माइंड सर्वो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही लोन से रिलेटेड अपडेट हमेशा इस चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलते रहेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं दोस्तों फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।